आप देख रहे हैं TNB। विश्व ओलंपिक खेल में महिलाएं लगातार भारत का नाम रोशन कर रही है। वेट लिफ्टिंग में जहां मीराबाई चानू ने ओलंपिक में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता, वहीं अब भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाकर सबको हैरान और सरप्राइज कर दिया है। दरअसल भारतीय महिला हॉकी टीम ने कमाल कर दिया। ओलंपिक इतिहास में पहली बार अपनी महिलाएं क्वार्टर फाइनल खेलेंगी। शनिवार को भारत के सामने दो चुनौतियां थी। पहले तो उसे करो या मरो के मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराना था, फिर उम्मीद लगानी थी कि ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड को हरा दे। शायद 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की प्रार्थनाएं काम कर गई। अब क्वार्टर फाइनल में रानी रामपाल की टीम की टक्कर मजबूत ऑस्ट्रेलिया से होगी। स्ट्राइकर वंदना कटारिया के ऐतिहासिक 3 गोल के बूते भारत ने निचली रैंकिंग वाली दक्षिण अफ्रीका टीम को 4-3 से हराकर टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश की उम्मीदें बरकरार रखी। वंदना ने 4th, 17th, and 49th मिनट में गोल किया। वह ओलंपिक के इतिहास में 3 गोल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गयी। नेहा गोयल ने 32वें मिनट में 1 गोल दागा। दक्षिण अफ्रीका के लिए टेरिन ग्लसबे कप्तान, एरिन हंटर और मेरीजेन मराइस ने गोल दागे। भारत ने ग्रुप चरण में पहले 3 मैच हारने के बाद आखिरी 2 मैचों में जीत दर्ज की। इससे भारत पूल ए में 4th स्थान पर आ गया, लेकिन ग्रुप ए के आखिरी पूल मैच में अगर ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड को हरा देता या ड्रॉ खेलता तो आयरलैंड टीम पिछड़ जाती। हुआ भी ऐसा ही, मैच 2-0 से ग्रेट ब्रिटेन के पक्ष में रहा। लगातार 4th हार के साथ आयरलैंड का सफर यहीं पर खत्म हो गया। अब हर पूल से शीर्ष 4 टीमें नॉकआउट चरण खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच मारी ने कहा, प्रदर्शन में निरंतरता जरूरी है। टीम अगर क्वार्टर फाइनल में पहुंचती है तो वहां हालात एकदम अलग होंगे। कल हमने बहुत अच्छा खेला और फिर आज लगातार दूसरे दिन मैच खेलना था। हमारे बेसिक्स आज उतने सही नहीं थे जितने कि कल। हम जीतने के लिए ही आए थे। क्वार्टर फाइनल से नई शुरुआत होती है और पूल मैचों का प्रदर्शन मायने नहीं रखता। वहां अलग ही तरह का खेल होता है। आपको बता दें कि 8 बार की ओलंपिक चैंपियन भारतीय हॉकी टीम ब्रिटेन के खिलाफ रविवार को क्वार्टर फाइनल में उतरेगी। ओलंपिक में भारत को आखिरी पदक 1980 में मॉस्को में मिला था, जब वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में टीम ने गोल्ड जीता था। उसके बाद से भारतीय हॉकी टीम के प्रदर्शन में लगातार गिरावट आई और 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक में 5वें स्थान पर रहने के बाद वह इससे बेहतर नहीं कर सकी। बीजिंग में 2008 ओलंपिक में टीम पहली बार क्वालिफाई नहीं कर सकी और 2016 रियो ओलंपिक में आखिरी स्थान पर रही। देश में हॉकी का ग्राफ लगातार नीचे चला गया पिछले 5 साल में। हालांकि भारतीय हॉकी टीम के प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार आया है, जिससे वह विश्व रैंकिंग में 3रे स्थान पर पहुंची है और यह हमारे देश के लिए गर्व की बात है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।